भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांधे वाली ईस्ट स्थित ठाकुर श्याम नारायण स्कूल में मगा थाने सचिव निकुंज लालन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भाजयुमो उत्तर मुंबई अध्यक्ष अमर शाह, अविनाश राय, अमित उटकर और भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर का उद्घाटन भाजपा नेता प्रवीण दरेकर और सांसद गोपाल शेट्टी के द्वारा किया गया, जहाँ युवाओं ने पहुँच कर बड़ी संख्या में रक्तदान किया। जहाँ रक्तदाताओं को निकुंज लालन ने सर्टिफिकेट देगा गोपाल शेट्टी के हाथों सम्मानित किया गया। साथ ही आए हुए अतिथियों का निकुंज लालन ने साल और फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। हमारे भारतीय युवा मोर्चा ने एक अच्छा कार्यक्रम हमारा जो निकुंज करके कार्यकर्ता है उसके नेतृत्व में हुआ। मैं युवा मोर्चा के सब मेरे साथियों का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को यही अपेक्षा है कि जो हमारे पार्टी के यूथ कार्यकर्ता है वो समाज में जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने का काम, सामाजिक काम उनके माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि युवा ये हमारी भविष्य के देश की शक्ति है, देश को दिशा देने वाली शक्ति है। और इसलिए निकुंज, उनके सारे सहयोगी पदाधिकारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह के समाज हित के अलग अलग वर्गों के लिए उनके माध्यम से कार्यक्रम हो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। उनको जो सहयोग सहकार्य लगेगा वह भारतीय जनता पार्टी करेगी, मैं करेगा, यह मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो तरुण कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक अच्छा विचार लेकर समाज को एक अच्छी सेवा देने का प्रयास किया है, जो सराहनीय है। यहाँ पर आकर जो इन्होंने व्यवस्थाएं की हैं ताकि डोनर्स को भी, जो डोनर हैं, यंग डोनर्स, तरुण डोनर्स, उनको आराम मिले, उनको तकलीफ ना हो और बहुत अच्छी तरीके से वो अपना रक्तदान कर सकें, इसके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। निकुंज जी को, अविनाश जी को मेरा अभिनंदन। और जो बोरीवली ब्लड बैंक के जो डॉक्टर्स हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, वो भी बहुत ही उत्कृष्ट है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई युवा मोर्चा के द्वारा आज का ये रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित हुआ है। युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता, जिला के अध्यक्ष अमर शाह, अविनाश राय और ये सारे कार्यकर्ता मिलकर साल में दो तीन बार इस प्रकार का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करते रहते हैं। और यही हमारी पार्टी की विशेषता है कि हम बचपन से ही पार्टी के कैडर को पार्टी के साथ में जोड़कर समाज की सेवा करने की उनको सीख देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े नेता हुए हैं उनका जीवन काल युवा मोर्चा से ही प्रारंभ होकर ऊपर तक गए हैं, और इसलिए बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इन सारे कार्यकर्ताओं को पता चलता है। कोई भी बड़े बाप का बेटा अपने घर से निकलकर पार्टी में जब काम करता है तो वो पब्लिक को उतना दे नहीं सकता है जितना ये छोटे कार्यकर्ता देते हैं। और मैं स्वयं भी बहुत ही नीचे के स्तर से काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जब कोई नया कार्यकर्ता काम करते तो मैं यहाँ पर थोड़े समय के लिए क्यों ना हो पहुँचने का प्रयास करता हूँ ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। ये क्या कहेंगे आज आपके माध्यम से कांदीवली में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया भारतीय जनता युवा द्वारा, काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने ब्लड दिया है, क्या कहेंगे? आज 7 अगस्त 2022 हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, क्योंकि हमें ब्लड बैंक में से कॉल्स आते थे कि ब्लड की कमी, प्लेटलेट्स की कमी हुआ करती थी, इसलिए हमने एक पहल किया है। और गोपाल शेट्टी जी, प्रवीण भाऊ दरेकर जी, अमर शाह जी, अविनाश राय जी, अमित उत्तेकर जी, इनके मार्गदर्शन पर मैं एक नया कार्यकर्ता हूँ जो ये पहल किया है और आगे भी करते रहेंगे। कोई भी सोसाइटी में ऐसी कोई भी दिक्कत आएंगी तो हम डे नाइट हम लोग हाजिर रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। युवाओं के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज़ होता है जिसको पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शरीर के अंदर ही बनता है। युवाओं को तो ऐसा मैसेज है कि जैसे ब्लड डोनेशन एक नोबल कॉज तो है ही, बट हेल्थ फ्रीक लोगों के लिए भी एक सूचना है कि ये बहुत हेल्थी चीज़ है, और जो आयन की मात्रा होती है वो जो एग्ज़िट होने का एक ही रास्ता है वो है ब्लड डोनेशन।
सेकेंड चीज़ आपका जो ब्लड थिक होता है उसको पतला करने के लिए भी, एक मेंटेन रखने के लिए, हार्ट का प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए ब्लड डोनेशन बहुत बढ़िया चीज़ है। और उस चीज़ को समझें, उसमें आपका हेल्थ बेनिफिट्स भी है और जिसको रक्त जिसको ब्लड का ज़रूरत है उसको भी बहुत मदद होती है उस चीज़ से। देखिए, विषय ऐसा है कि ब्लड डोनेशन तो ठीक है, एक सोशल कॉज है, पर हमारी जो संगठन है, जो हम पार्टी से आते हैं, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि लोगों की सेवा जो है वो प्राथमिकता है हमारे लिए। यहाँ गोपाल शेट्टी जी हो गए, प्रवीण देव, उन्होंने हमेशा से हमको गाइड किया है, उसमें यही कहा है कि सेवा के माध्यम से ही आप लोगों को भला कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन एक ऐसी सेवा है जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। और आज के आपको मालूम है कोविड की सिचुएशन में क्या स्थिति हो गई थी, तो कितनी खून की कमी थी, तो इस विषय में उन्होंने संज्ञान लेते हुए कई सारे मेडिकल कैंप्स और जो ये हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स, वो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं पूरे जिला स्तर पे और युवा मोर्चा